जी नमस्कार। इस टाइम मैं हूँ, जो बकरी रेड पॉइजनिंग खा गई थी, चूहे का पाउडर खा गई थी, वो फिलहाल ये कंडीशन में है, एक्टिव है, घूम रही है, फिर रही है। और ये देख सकते हैं आप, कुछ खाया पिया भी इसने? नहीं, कुछ नहीं खा रही। चला गया। तो साथियों, आप देख सकते हैं, आज से कुछ दिन पहले इसका मैंने रेड पॉइजनिंग वाला वीडियो डाला था, जिसमें ये बकरा एक दिन पहले रेड पॉइजनिंग यानी चूहे मारने दवा पशुपालक भाई ने, जो महिला थी, उन्होंने मिला रखी थी, और अचानक ये बकरा आया और इसने खा लिया। और दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन पशुपालक भाई ने हमें बताया, उस जब इसकी स्थिति देखी थी, ये बहुत ज़्यादा झूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि बचने की बहुत कम चांस है, लेकिन अभी ये चल फिर रहा है, एक्टिव है। रही बात डाइजेशन की, तो डाइजेशन के लिए यहाँ पर मैं, क्योंकि दो दिन के बाद मैं रिपीट हुआ हूँ, इसकी फ़ोन पर ही मैंने स्थिति मालूम कर ली थी, बिल्कुल ठीक ठाक है, एक्टिव है, और ठीक ठाक होने से ये पता चलता है कि अब इसकी जान जो है कोई भी जोखिम नहीं है, और ये अभी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। चारे के लिए मैंने, डाइजेशन के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसे में जब पॉइजनिंग वाला केस होता है तो वहाँ पर माइक्रोफ्लोरा डेड हो जाते हैं, तो उनको टॉन अप करने के लिए डाइजेशन के जो पाउडर हैं वो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, जैसे डी पी स्ट्रॉन्ग है, रूचा मैक्स है, ये इस तरह के पाउडर हमें प्रतिदिन 5-5 ग्राम डेली या पाउडर के 3 हिस्से करके आप सुबह दोपहर शाम खिला सकते हैं। धन्यवाद।